रोटी। हाँ हाँ हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि 2020 साल जो था वो बहुत लोगों के नज़रिए से बहुत अच्छा नहीं था और काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि जो 2021 साल आने वाला है वो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी खुशियों की सौगात लेके आएगा। तो मैं आप सब लोगों के लिए ये शुभकामना करता हूँ कि आप सबका जो नया साल है वो बहुत ही अच्छा जाए। आपने जो भी ड्रीम्स देख रखे हैं या जो भी आपकी तमन्ना है वो सब पूरी होए, ये मैं भगवान से सबके लिए दुआ करता हूँ, सब प्रार्थना करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूजुअली फर्स्ट ईयर में लोग जो पार्टी या फिर कहीं आउटिंग पे जाते हैं तो मोस्टली लोग कॉस्टली जगह को देखते हैं, कॉस्टली रेस्टोरेंट ढूंढते हैं जहाँ उन्हें अच्छे से अच्छा खाना मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय हो पाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर लेते हैं बट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो चीज़ उनको मिलती नहीं है। आई मीन खाना अगर वो खाने के लिए जा रहे हैं बाहर तो उन्हें भी खाना वो टेस्ट नहीं मिल पाता जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, भले ही वो किसी अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में जाएं। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो ये ऐसा सजेस्ट करूँगा कि आप लोग नेक्स्ट टाइम जो कभी किसी ओकेज़न पे बाहर जाने का सोचे तो किसी ऐसे रेस्टोरेंट या ऐसे जगह को पिक करें जहाँ पे आप या आपकी फैमिली एंजॉय कर पाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को एंजॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा ओकेज़न को सेलिब्रेट करें। तो ना कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट में आप जाएं या फिर किसी ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल जगह पे जाएं जहाँ के पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्चे हो बट और आप एंजॉय भी ना कर पाए। तो इस पर हमने प्लान किया था, हमारे घर के पास ही एक रेस्टोरेंट है, ढाबा बोल सकते हैं आप उसको, मंगल मूर्ति ढाबा। हमारे घर से कोई 1.5-2 किलोमीटर के अंदर आता है और ये इस एरिया में एक बहुत ही फेमस ढाबा है, इसका नाम मंगल मूर्ति है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कभी यहाँ पे आना चाहो तो कैसे आ पाओगे। यहाँ आप अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे पे आता है। आप जब अगर आप अहमदाबाद के रहने वाले हैं या फिर गांधीनगर के रहने वाले तो आपको पता होगा जब आप तपोवन सर्कल पहुंचते हैं तो वहां से जो हाईवे गांधीनगर की ओर जाता है तो तपोवन सर्कल से थोड़े ही डिस्टेंस पे ये रेस्टोरेंट मिलता है आपको। तो आप अगर एक बार तपोवन सर्कल पहुंच गए तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और इस ढाबे का कह लीजिए कि जो सबसे बड़ी खासियत है वो है यहाँ का टेस्टी फूड, मतलब जो पैसा आप यहाँ स्पेंड करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको टेस्टी और लाजवाब लजीज खाना मिलेगा, इस बात की तो गारंटी है। मैं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं किसी ढाबे की मतलब के लिए स्पॉन्सर वीडियो नहीं कर रहा हूँ। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ पे रेगुलरली कई बार जाता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ पे जाते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो 2-3 चीज़ें यहाँ कि बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेस होता है और अगर आप शाम के टाइम जाते हैं तो लाइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, तो आपके बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी स्पेसियस है ये लोकेशन, तो यहाँ पे बच्चे भी आपको खेलेंगे, कूदेंगे, एंजॉय कर पाएंगे और आपको खाना भी अच्छा मिलेगा। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा फुटेज लेके दिखाऊँगा कि इस लोकेशन का, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कैसी ये जगह है। बट एनीवेज, जो सबसे ज़्यादा यहाँ आप एंजॉय करेंगे वो यहाँ का है खाना, क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी होता है और इस और ये बात अगर आप मेरी ना माने तो आप कभी जाके वहाँ ट्राई कीजिए, आप मेरे से 100% एग्री हो जाएंगे। तो यहाँ हम 2 लोग गए थे खाने के लिए और हमारा जो बिल आया था वो करीब 465 रुपये के आसपास आया था। यूजुअली अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको पर पर्सन 200 या 250 के एवरेज में आपका बिल आता है, तो जो कि मैं समझता हूँ कि रीज़नेबल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एज़ पर द क्वालिटी दे आर प्रोवाइडिंग, तो आई थिंक अभी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बट इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। आप लोग मस्त रहें, खुश रहें और लाइफ को सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें।